इमाम साहब, मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाव्यू छे के जे माणस रमजाननी खबर बीजा माणस ने सौथी पहला पहोंचाड़शे तो एना माटे जहन्नमनी आग हराम छे। ये गुजराती में लिखा हुआ है, आप समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया। तो क्या ये हदीस है, सही है? ये जो मैसेज आपका आया है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका हदीस में कहीं वजूद नहीं है, न ऐसा किसी हदीस में आया है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किसी हदीस में फरमाया है। ठीक है ना? तो जिसने भेजा है या ग्रुप में है या पर्सनल पे जिसने भेजा है, उन सबको इतला कर दो। और ये अगर वीडियो उतर रहा है तो सबको पहुंचा दो, जितने भी ग्रुप हैं उन सब में पहुंचा दो कि भाई इस तरह की जो हदीसें खबरें आती हैं वो सब बेबुनियाद हैं, गलत है, कोई ये मन गढ़त है, किसी ने बना के भेज दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। कोई कोई तो अगर ये कोई इस तरह ये जिस तरह की यह इसने बना करके भेजा है, जिसने भेजा है इस तरह, अगर कोई बना करके भेजता है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है, जन्नत उस पर हराम है। अल्लाह हुजूर ने फरमाया जो मन गढ़त हदीस बना करके मेरी तरफ मनसूब करे कि ये हुजूर ने फरमाया, हालांकि हुजूर की हदीस न हो, तो उस पर जन्नत हराम है। कभी कभार तो कसम दी जाती है, अगर ये आगे आप नहीं भेजोगे तो आपका ये नुकसान होगा, अगर भेजोगे तो ये फायदा होगा। ये भी अब ये चीजें तो आज निकली है ना, ये चीजें आज निकली है तो किसी किताब में तो नहीं है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान है कि जिस तरह के कोई हक हदीसें हैं फजाइल के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, उनके बारे में आया कि जो हदीस सुनो उसको आगे किसी मुसलमान भाई तक पहुंचाओ, हदीस को फैलाओ, अच्छी बात को फैलाओ। अब जिस तरह के कोई ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई अब तुम्हें कलमे की कसम है कि ये बात आगे पहुंचाओ और ना इतना इतना नुकसान हो जाएगा, ये गलत है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। या तो जिस तरह के आता है मैसेजों के अंदर, कभी अगर अल्लाह की जात पर यकीन है तो इसको आगे भेजो, तो क्या मुसलमान का अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है? बेशक है, बेशक हर मुसलमान का है। तो इस तरह की बातें ये जो है ना, अगर अल्लाह की जात पर भरोसा है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो या इस कलमे की कसम है, इस तरह के मैसेज है, ये सब गलत है। अगर आपके पास आए तो उनको डिलीट कर दो, और जो भेजता है उसको वापस ये इतला दे दो कि भाई ऐसे मैसेज मत भेजा करो। मैसेज हमेशा मैसेज क्या है, एक ये आपके लिए जहन्नम भी है और जन्नत भी है ये मोबाइल। अब अगर आपने कोई दीन की बात, अच्छी बात किसी को मैसेज के जरिए भेज दी, दीन की बात है, उसने आगे भेजा, जितने लोगों के पास पूरी दुनिया में घूमेगा, जितने देखेंगे उसको बात को पढ़ेंगे सुनेंगे, अगर अच्छी बात है दीन की बात है तो सबको सवाब मिलेगा, उन सबके बराबर आपको सवाब मिलेगा। अगर कोई दुनियावी वीडियो है या कोई फिल्मी वीडियो है या कोई गलत वीडियो है, गलत मैसेज है, गलत बात है, तो आप तो गुनहगार हैं ही हैं, लेकिन जितने लोगों ने देखा है पढ़ा है सुना है उन सब का गुनाह आपके सर पे भी है, इसलिए भेजने वाले आप हैं। तो ये आपके लिए मोबाइल जन्नत भी बन सकता है, जहन्नम भी बन सकता है। ठीक है।